Hello students, you are most welcome once again my YouTube channel ICSC Java 100%। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर के बारे में, लेकिन फुल नहीं पढ़ा पाए थे कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है, स्पेशल मेंबर फंक्शन विच हैज सेम नेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर की खूबी क्या है, इसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। दूसरा टाइप, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है, इवन वाइड भी नहीं लिखा जाता है। इसका रिटर्न टाइप वाइड भी नहीं होता क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया जाता है, पब्लिक सेक्शन। तो ये खूबियां हैं कंस्ट्रक्टर के। कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या है, इनिशियलाइज करना डाटा मेंबर को, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। और ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी एक फंक्शन है, स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेंबर फंक्शन जो होते हैं उनसे इसका अलग फीचर्स होता है, जो फीचर्स मैंने बताया। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पे। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, दैट डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट। मतलब इसमें कोई आर्गुमेंट, मतलब यहाँ पे कोई इसकी वैल्यू नहीं आती। जब फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता तो कोई भी एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन नहीं होता, मतलब कोई भी पैरामीटर यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे खाली रहता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसी वजह इसको नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक हमने स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, इसमें दो मेंबर वेरिएबल लिए हमने, इंस्टेंस वेरिएबल ए और बी। अब हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, तो देखिए यहाँ वाइड भी नहीं लिखा है, क्लास का नाम जो है वही नाम लिखा रहता है, यहाँ पब्लिक लिख सकते हैं। अब ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू 0, हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब एक फंक्शन बनाया, देखिए फंक्शन क्या और क्लास कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे रिटर्न टाइप होता है। अगर कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करता है फंक्शन, उसका रिटर्न टाइप वाइड लिखते हैं। अगर वैल्यू रिटर्न करता है तो जिस तरह की वैल्यू रिटर्न करता है वहाँ पे वो टाइप लिखते हैं, इसको अभी हम देखेंगे। इसके बाद हमने फंक्शन का नाम दिया सम। ये कंस्ट्रक्टर हुआ, डिफॉल्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है। अब c इक्वल टू ए प्लस बी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन, सी प्रिंट हो गया, यहाँ पे फंक्शन हो गया, ये फंक्शन के अंदर हमने प्रोसेसिंग कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज, कंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करना, लेकिन हम चाहें तो पूरा प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर में बना सकते हैं, पूरा प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर में बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं करना चाहिए, जिसका जो पर्पज है वही करना चाहिए। इसका मेन काम है डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करना। अब देखिए, हमने मेन फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, क्लास नेम, इसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का नाम हमने वो भी ले लिया, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मेमोरी एलोकेट हुई। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, कॉल हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो जाएगी। कब, जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब हमें करना क्या है, ओ बी डॉट सम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो और ये वैल्यू को 15 प्रिंट कर देगा। ये ही है कि फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अगर यही हम फंक्शन इसको बनाए होते, वाइड इनपुट करे होते, तो हमें क्या करना पड़ता, पहले ये फंक्शन कॉल करना पड़ता, फिर दूसरा फंक्शन कॉल करना पड़ता। तो ये कंस्ट्रक्टर हुआ आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक चीज और ध्यान में रखनी है,
इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर इन जावा, प्रोग्रामर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, जावा ऑटोमेटिकली सप्लाई अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द रिलेटेड टाइप। जब हम जावा में कोई कंस्ट्रक्टर, जब प्रोग्राम में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हम, तो एक कंस्ट्रक्टर जावा ऑटोमेटिकली, जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर जावा ऑटोमेटिकली सप्लाई कर देता है, एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देता है प्रोग्राम में, अगर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। प्रोग्रामर ने अगर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो जावा ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर सप्लाई कर देता है, और उसमें काम क्या होता है, वो डाटा मेंबर को उनकी जो इनिशियल वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू है, जो जिसको मैंने प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ कि इंट की जीरो होती है, फ्लोट की 0.0 होती है, और करेक्टर की नल होती है, डिफॉल्ट वैल्यू के द्वारा उसको असाइन कर देता है जो उसका टाइप होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया, देखिए क्लास ऐड, ऐड नाम का एक क्लास बनाया, इसमें हमने दो इंस्टेंस वेरिएबल लिए ए और बी। अब हमने यहाँ पे किया क्या है, वाई डिस्प्ले, ये क्या है फंक्शन, क्योंकि इसमें रिटर्न टाइप लग रहा है वाइड, और क्लास से के नाम से अलग है, ये एक फंक्शन हमने बनाया। अब इसमें हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन ए प्लस बी। अब देखिए ए और बी की हमने कोई वैल्यू तो असाइन नहीं की है, तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा, तो ये आपका फंक्शन बन हुआ। अब यहां से समझते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, जब हम करेंगे ऐड, ये क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू ऐड, जब ये करेंगे तो वर्चुअली इसी क्लास के अंदर ऐड नाम का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा, इसी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली, वर्चुअली मतलब लिख नहीं उठेगा, इसमें ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर, ये देखिए सप्लाई हो जाएगा, जावा सप्लाई कर देगा, और करेगा क्या, ए और बी की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है क्या, इंटीजर की जीरो, क्या है जीरो, तो ए और बी की यही कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ए और बी की वैल्यू जीरो इनिशियलाइज कर देगा। ठीक, तो यहां से ये काम हो जाएगा कि जब हम कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली जावा एक कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर क्रिएट कर लेगा। अब जब हम फंक्शन, इसके बाद ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो, ए और बी की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा जीरो से, ए और बी की, इसके बाद हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ओ बी डॉट डिस्प्ले, तो क्या होगा, ए और बी की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्या प्रिंट करेगा जीरो, आउटपुट जीरो आया। तो ये हुआ आपका कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर का टाइप जो कि है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दूसरे टाइप का कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होता है जो आर्गुमेंट लेता है, इट रिसीव्स आर्गुमेंट ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो यहां पे क्या होता है, ये यहां पे खाली नहीं होता, तो यहां पे हो जाएगा, इसको बोलेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर होता है, जिन डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करना है उससे रिलेटेड कोई दूसरा वेरिएबल लेंगे और उसी के थ्रू उसको असाइन करेंगे। यहाँ पब्लिक लिखें चाहे ना लिखें, तो चूंकि कंस्ट्रक्टर पब्लिक होता है तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट इंट आर स्ट्रिंग एक्स। अब देखिए मेन से जब प्रोग्राम रन होगा तो क्या होगा, मेन से चलेगा स्टूडेंट ओ बी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये कंस्ट्रक्टर है क्या, पैरामीटराइज्ड है, तो ये इससे रिलेटेड वैल्यू भेजेंगे, ये इंटीजर टाइप है तो इंटीजर कांस्टेंट भेज दीजिए, स्ट्रिंग टाइप का है तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट भेज दीजिए। अब ये क्या होगा, ये कॉपी होगा यहाँ से इसमें 101 आर में कॉपी होगा और एक्स में अनिल कॉपी हो जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी अनिल, और रोल की वैल्यू क्या हो जाएगी 101। ये हो गया
पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो नॉन पैरामीटराइज जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, और पैरामीटराइज इसमें पैरामीटर्स होते हैं, यहां पे खाली नहीं होता। तो अब आइए देखते हैं और टॉपिक्स। आगे आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही नाम से जब कई चीजें हो अलग अलग काम के लिए, ओवरलोडिंग का आम मीनिंग है। ये कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर आप ओवरलोडिंग का मतलब समझेंगे तो यही चीज है। नाम एक होगा, आपका काम अलग अलग होता है। तो ये किसके अंदर आता है, किस कॉन्सेप्ट के अंदर? ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत आता है। पॉलीमॉर्फिज्म ग्रुप्स कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या आता है, व्हेन टू आर मोर कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। कंस्ट्रक्टर भी क्या है, एक तरह का फंक्शंस है। व्हेन टू आर मोर कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आर डिफाइंड इन अ क्लास, इट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जब एक क्लास के अंदर दो या दो से अधिक कंस्ट्रक्टर डिफाइंड कर दिए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे यहां देखिए, हमने ऐड नाम का क्लास बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया ऐड नाम से जिसमें दो इंटीजर आर्गुमेंट आ रहे, और उसको हमने प्रिंट करा दिया। हमने कहा था कंस्ट्रक्टर में जब इनिशियलाइज करते हैं डाटा मेंबर को, साथ में उसमें चाहे तो हम प्रोग्राम भी लिख सकते। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को समझाना, तो यहाँ पे या तो वेरिएबल लेके आप असाइन कर दीजिए कि आपका ए प्लस बी प्रिंट करेगा। दूसरा कंस्ट्रक्टर बना जिसमें जो दो डबल पैरामीटर्स आ रहे हैं डबल टाइप के, उनको ऐड कर दिया। तीसरा कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें दो स्ट्रिंग वैल्यू आ रही, उन दोनों को हमने जोड़कर प्रिंट कर दिया। दो स्ट्रिंग को प्लस ऑपरेटर से जोड़ सकते हैं, मैंने बताया था आपको। अब देखिए कैसे ये होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जब बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एड ओ बी वन इक्वल टू न्यू एड 5,3। यहां से क्या भेज रहे हैं, 5,3 दो इंटीजर भेज रहे हैं। तो ये मैच करेगा, जब ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा तो ये मैच करेगा कि इस तरह का पैरामीटर वाला कौन सा कंस्ट्रक्टर है। तो दो इंटीजर है ये, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसके बाद हमने दूसरा कंस्ट्रक्टर, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऐड, ये पहला ऑब्जेक्ट किया, दूसरा ऑब्जेक्ट किया ऐड ओ बी टू इक्वल टू न्यू ऐड, दो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट हम भेज दे रहे हैं। तो इससे मैच करता हुआ कौन सा है, ये है, ये कॉल होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम और के आर, राम के आर ऐड हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा राम के आर। इसी तरह तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऐड ओ बी थ्री इक्वल टू न्यू ऐड 2.5, ये दोनों क्या हो जाएगा, इससे मैच करता हुआ क्या है, डबल, ये कॉल होगा। तो जिस तरह से पैरामीटर होगा उसी से रिलेटेड आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। दूसरी चीज ध्यान में ये रखना है, पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। पैरामीटर जैसे दो इंटीजर यहाँ भेज दिया आपने, दो इंटीजर भेज रहे हैं, तो दूसरा कंस्ट्रक्टर जब बनाएंगे तो वहां दो इंटीजर नहीं हो सकते, तीन इंटीजर चार इंटीजर हो सकता है या एक इंटीजर हो सकता है, लेकिन दो इंटीजर नहीं हो सकता, या एक इंटीजर एक डबल हो सकता है, एक इंटीजर एक फ्लोट हो सकता है, दोनों इंटीजर नहीं होंगे। यानी अगर हम यहाँ इंट ए इंट बी कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्रॉब्लम होगी। तीन इंटीजर कर देंगे तो यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उस तरह से मींस जब ओवरलोडिंग करिए तो ध्यान दीजिए नाम सेम होता है चूंकि, तो पैरामीटर से डिफरेंशिएट किया जाता है, पैरामीटर से डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे एक ही नाम के क्लास में कई बच्चे हों तो उनका, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए वो क्या होता है, उनका सरनेम अलग होता है। जैसे रवि सिंह, रवि चंचल, रवि गुप्ता, इस तरह से वही चीज है यहाँ पे। चूंकि सेम नेम होता है तो क्या होगा, पैरामीटर से डिफरेंशिएट किया जाता है। यानी दो, अगर दो टाइप के
इंटीजर है, अगले वाले में दो इंटीजर नहीं जा सकता, तीन इंटीजर जा सकता, चार इंटीजर जा सकता, जिससे डिफरेंशिएट हो सके कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। इसी तरह से फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, सेम चीज। अगर फंक्शन ओवरलोडिंग पूछता है, ठीक है, व्हेन देयर आर मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम, तो फंक्शन ओवरलोडिंग में भी आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग लिख सकते हैं, चूंकि कंस्ट्रक्टर क्या है, एक तरह का फंक्शन है, लेकिन हम उसको अलग से देख लेते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। तो ये होगा आपका फंक्शन ओवर, सॉरी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आगे हम देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग क्या है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग लगभग सेम चीज है, बस उसमें क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने करते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, लेकिन फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो व्हेन टू आर मोर फंक्शंस आर डिफाइंड इन द क्लास हैव सेम नेम देन दीज फंक्शंस आर कॉल्ड ओवरलोडेड फंक्शन। जब एक क्लास के अंदर दो या दो से अधिक फंक्शन एक ही नाम से बना दिए जाए तो ऐसे फंक्शंस को ओवरलोडेड फंक्शन कहा जाता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फंक्शन ओवरलोडिंग। मतलब फंक्शन के नाम सेम, जैसे यहां पे हमने फंक्शन तीन क्रिएट किया है और तीनों का नाम एरिया रखा है, पहले का नाम एरिया, दूसरे फंक्शन का नाम एरिया, तीसरे फंक्शन का भी नाम एरिया, लेकिन इन तीनों फंक्शन से हम अलग अलग शेप्स का एरिया निकालने जा रहे हैं। तो यहां पे हमने लिया वाइड एरिया, दो आर्गुमेंट हैं, दो पैरामीटर हैं, इंट एल इंट बी, एरिया निकाल दिया है, एल इंटू बी यहां प्रिंट करा दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस ए आर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया। दूसरा फंक्शन बना है एरिया नाम से, जिसमें हम इंट यस ले रहे हैं, एक इंटीजर टाइप साइड इनपुट करा रहे हैं, ए आर इक्वल टू यस इंटू यस, साइड इंटू साइड कर दिया, सिर्फ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए आर, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका भी नाम एरिया है, इसका भी नाम हमने एरिया रखा, इसका भी नाम एरिया रखा, दोनों फंक्शन का नाम सेम है। तीसरा फंक्शन भी हमने एरिया नाम से बनाया है, जिसमें एक डबल टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं आर, और जिसमें हमने सर्किल का रेडियस, सर्किल का एरिया निकाला, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह आपको लिखना पड़ेगा पाई की वैल्यू, क्योंकि पाई कंप्यूटर तो ऐसे कोई समझेगा नहीं, तो उसकी वैल्यू आप लिख दीजिए 22/7 आर 3.14 इंटू आर इंटू आर, अब प्रिंट करा दिया एरिया सर्किल ए आर। वही चीज यहाँ भी ध्यान रखना है, पैरामीटर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, रेडियस में भी एरिया ऑफ सर्किल में एक ही वैल्यू इनपुट करानी है, और एरिया ऑफ स्क्वायर में भी एक ही वैल्यू इनपुट करानी है, आपको एक ही पैरामीटर चाहिए, तो दोनों इंटीजर नहीं हो सकते, दोनों इंटीजर नहीं हो सकते, एक को हमने इंटीजर लिया तो दूसरा इंटीजर नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने कर दिया डबल आर। तो फंक्शन नेम जब सेम होते हैं तो उसको पैरामीटर से डिफरेंशिएट किया जाता है। अब मेन फंक्शन हमने बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सेव सेव ob इक्वल टू न्यू सेव, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बस अब यहां पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे, कॉल जिस सीक्वेंस में करेंगे उसी सीक्वेंस से फंक्शन कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा। ob डॉट एरिया 3.5, अब 3.5 ये क्या है, डबल कांस्टेंट है, तो डबल टाइप का इसमें आएगा, ये वाला पहले कॉल होगा। फिर हमने किया ob डॉट एरिया 5.2, दो इंटीजर वाला, दो इंटीजर वाला फंक्शन कौन सा, ये कॉल होगा। फिर ob डॉट एरिया 3, ये 3 कॉल होगा। इस तरह से ये हो गया आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर फंक्शन ओवरलोडिंग पूछता तो चाहे आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ले लीजिए, चाहे फंक्शन ओवरलोडिंग, मैंने दोनों चीजें बता दी, फंक्शन ओवरलोडिंग भी बता दिया और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो आगे हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ और टॉपिक्स अभी रह गया है फंक्शंस में, उसको कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।